प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पड़े पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके पांच बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मुंह, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। दो या तीन करो, बाबा करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे यहाँ बहुत सुंदर कहा है शिव महापुराण में, प्रदोष व्रत कथा के अंतर्गत, प्रदोष काल में किया गया पुण्य दान, सत्कर्म, भजन, एक लोटा पानी का भी सत भाग हमारे भाग्य में है। कितना सुंदर लिखा है, जिस व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो गुड़िया खसक गया, या कोई क्रम, मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंतर्गत, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रदोष के दिन जिस भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होता बीलफल, बीलफल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया गया, मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक, पूजन, स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बत्ती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ, 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए, कुरिये की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो वो समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये दो जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाए और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है, देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में
जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीप दान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया षडानन कार्तिके भूलवश भी। अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा षडानन कार्तिके, इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा ये जो बेल पत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, मात्र एक बेलपत्री का पत्ता जिसके भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, और इस बेलपत्री के बीच वाली पत्ती से लेकर जहां दो पत्तियां रहती हैं उस पत्ती के बीच में जो गैप होता है डंडी का, इसमें 64 योगनियां भी हैं। 64 योगनियां देवियां भी इसके अंतर्गत विराजमान है। और उस डंडी के नीचे जहां दो पत्ती है, इस दो पत्ती के नीचे की जो लंबी डंडी रह जाती है इसमें 33 कोटि देवताओं का भाग है। उस डंडी के नीचे जो छोटा सा एक मोटा सा भाग रह जाता है, कई बार आप लोगों ने बेलपत्री को तोड़ा होगा तो नीचे एक मोटा सा भाग रह जाता है महाराज, उसके अंतर्गत सारे तीर्थों का भाव जागृत रहता है। उस बेलपत्री को केवल साधारण ना समझे, शिव को अगर समर्पित कर रहे हैं तो संपूर्ण उसी के अंतर्गत संपूर्ण। केवल आप लोगों ने बेलपत्र अगर कभी शिवजी पे चढ़ी हुई, हम तो कई बार निवेदन करते हैं कि आप उसका सेवन हफ्ते में एक बार, जिसको भी शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हफ्ते में एक बार शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देना चाहिए हफ्ते में एक बार। और जिसके भी घुटने में प्रॉब्लम रहती है या डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो उनके लिए निवेदन है शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र शिव जी के मंदिर पर ही बाहर खड़े होकर शिखर का दर्शन कर उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए, घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी घुटना बदलने की। और कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, आपके बीच में ही लोग बैठे होंगे, बहुत सारे आपके भीतर बैठे होंगे। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है, इस मृत्यु लोक का दिया। पर दुनिया के लोग ना जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले हैं, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते।
भगवान को ऐसा बांट दिया, ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं शमशान में रहता हूँ। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे भक्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लूंगा। बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि तीन दिन ठंडा नहीं होने दूंगा। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण सा नहीं, इसको कोई साधारण सा ना समझ। भगवान शिव की जब कृपा होती है, करुणा होती है, दया होती है, तब जाकर कहीं आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति की पथ को निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण कर पाते। भगवान देवाधिदेव महादेव, करुणा सागर भगवान शंकर, दया सागर, जिन्होंने आप सबको यहां पर आमंत्रित करा, कहीं भोले बाबा की दया और उदारता ही है जो पूरे शहर सीहोर में ऐसा कोई भवन नहीं है जिसमें आप लोग नहीं है, ऐसा कोई भवन नहीं जहां आप लोग, और शहर तो शहर, पूरे नगर में, पूरे गांव में, खेड़ों में, क्षेत्र में, और एक निवेदन आप सभी से, जितनी देर की कथा है आप लोग उसको स्मरण कर श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। देव अधिदेव महादेव ने ये करुणा करी है, कृपा करी है, दया करी है, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते। बस आपके आसपास में अगर कोई खड़ा हुआ हो, बोल रहा हो, तो उसके चरण पकड़कर आप उसको कहें कि थोड़ा शांत रहें, जिससे हम भगवान की, जिस कारण आए, आप आए किस कारण से, आप किस लिए यहां पहुंचे हो, केवल उसके दो कारण हैं। एक, बाबा देवाधिदेव महादेव का प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष चाहिए, और दूसरी शिव महापुराण की कथा चाहिए। केवल दो कारण है, और इसके सिवाय कोई कारण आपके पास में है? कौन किसके यहां आता है जी, किसके बस का है? जो कोई आए जाए, किसके बस का है? ये तो देव अधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, उदारता है, जिसके बल पर हम भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण कथा का रसस्वादन करते हैं। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर शरण आपो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। बाबा से केवल एक निवेदन, एक प्रार्थना, और बाबा से केवल एक विनती, हमारे जीवन की एक सार्थक, कि तेरा ही दिया मैंने खाया किया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया।
जय दास दी ओ लाज दी है मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया उसकी कृपा ना हो तब तक कोई कार्य हो ही नहीं सकता। संसार में आने के बाद देखिए अगर भगवान के होना है परमात्मा के अगर अंग को होना है तो थोड़ा सा तो जीवन में कष्ट वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है और 14 दिए का दान होता है। इसमें 14 दीप वेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप जहां पर आपका जलाशय है पानी का स्थान है वहां रख दें और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप वृंदा वृंदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहे हैं और वृंदा ने उसी समय भगवान शंकर को बुलाया, भोलेनाथ पधारो पधारो शिव सामने सम वृंदा तेरे पति ने जो उपद्रव मचाया था जहां जहां मंदिर देवालय तीर्थ व्रत सब खंडित कर दिए, जो ब्राह्मण पूजन करने बैठते थे तेरा पति जलंधर उनके प्राणों को हर लेता है वृंदा। कहीं किसी गांव में अगर भोजन और भंडारा होता था तो तेरा पति उसमें कुछ गलत पदार्थ मिला देता था वृंदा, तेरे पति को मारना जरूरी था। वृंदा की आंख में आंसू भरे थे और वृंदा आंसू भरती भरती कहती है भोलेनाथ मैं ये भगवान विष्णु को श्राप देती हूं कि ये पत्थर के हो जाए, ये पत्थर के हो जाए और मैं वृंदा हाथ में जल लेकर अपने शरीर पर डालती हूं और मैं तुलसी का पौधा बनूंगी। पर भोलेनाथ हे शंकर हे शंभु हे त्रिकालदर्शी हे कैलाश मैं तुलसी कभी आप पर नहीं चढ़ूंगी, केवल वर्ष में एक दिन होगा वैकुंठ चतुर्दशी का दिन जिस दिन भगवान का हरिहर मिलन होता है वैकुंठ चतुर्दशी।